नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे हो गए आप। चलिए, आज प्राचीन भारत का दूसरा टॉपिक, अगला नेक्स्ट वीडियो हमारी है। तो यहाँ सिकंदर का भारत पर आक्रमण के बारे में बताएंगे आपको कि सिकंदर कब आया, कैसे उसने भारत पर आक्रमण किया, कहाँ कहाँ किया, क्या क्या घटना हुई, इसके बारे में चर्चा करते हैं विस्तार से। यहाँ से प्रश्न ज़्यादातर आते ही रहते हैं, चाहे वो यूपी पी हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे वीडियो हो, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, कोई भी अन्य एग्जाम हो, सभी एग्जामों में यहाँ से प्रश्न बनता ही है। चलिए तो देख लेते हैं। अगर मेरी पूरी वीडियो देखना, आपको यहाँ से कभी भी प्रश्न आएगा आप तुरंत लगा पाएंगे, कभी भूलोगे ही नहीं। इस तरह से पढ़ा देंगे हम आपको हिस्ट्री, आप हमसे पढ़ते रहिए और देखते हैं कितना मजा आता है। मजे से पढ़िए। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए तो यहां हम देखते हैं सिकंदर का भारत पर आक्रमण। ठीक है, चलिए जान लेते हैं सिकंदर के बारे में, जान लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो सिकंदर, सिकंदर यूनान, यूनान के मकदूनिया, सिकंदर यूनान के मकदूनिया प्रांत का, यूनियन मकदूनिया प्रांत का निवासी था। जानते रहिए सिकंदर कहाँ का निवासी था, तो आप बताएंगे यूनान के मकदूनिया प्रांत का निवासी था, इतना जानते रहिए। चलिए आगे बताते हैं। ठीक है, तो देखिए आइए यहां से ले लेते हैं 326 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था। आक्रमण किया, इतना जानते रहिए। 326 ईसा पूर्व सिकंदर भारत पर आक्रमण किया, किंतु ब्यास नदी से आगे नहीं बढ़ पाया। किंतु किंतु ब्यास नदी से, ये कौन सी नदी है? किंतु ब्यास नदी से आगे नहीं बढ़ पाया, इतना जानते रहिए आप। ठीक है, 326 ईसा पूर्व सिकंदर भारत पर आक्रमण किया, किंतु ब्यास नदी से आगे नहीं बढ़ पाया था। चलिए आगे जानते हैं। तो सिकंदर के आक्रमण के समय जानते रहिए। सिकंदर के आक्रमण के समय भारत के, मान लीजिए आपका ये भारत है, ठीक है, ये उत्तर है, ये उत्तर और ये दक्षिण है और ये पूरब, ये आप पश्चिम मान लीजिए, समझ लीजिए आपको क्लियर हो जाएगा। सिकंदर के आक्रमण के समय भारत के उत्तर पश्चिमी राज्य में दो यहाँ आ जाए, यहाँ देख लेते हैं, दो राजाओं का शासन था। इतना जानते रहिए कि सिकंदर के आक्रमण के समय भारत के पश्चिमी उत्तर राज्य में दो राजाओं का शासन था। चलिए दोनों राजाओं को जान लेते हैं। चलिए आइए, तो पहला राजा है हमारा राजा आम भी, दूसरा जान लेते हैं, तो दूसरा राजा है राजा पोरस। जानते रहिए, ये बहुत अच्छे प्रश्न है, परीक्षा में आ सकते हैं, तो ये जानते रहिए। चलिए आगे बताते हैं। तो
आई राजा पोरस। राजा अम्बी के बारे में बताते हैं पहले, तो राजा अम्बी, राजा अम्बी। सुन लीजिए थोड़ा, यहाँ सुन लीजिए, क्लियर हो जाएगा। सिकंदर ने जब भारत के पश्चिमी उत्तर राज्य में आक्रमण किया, तो सिकंदर, वहां दो राजाओं का शासन था, राजा अम्बी और राजा पोरस। सिकंदर ने अपने मंत्री को भेजा कि जाइए सूचना दीजिए कि हम आक्रमण करना चाहते हैं। तो मंत्री राजा अम्बी के पास गया और अपना प्रस्ताव रखा, और अपने उस प्रस्ताव में था कि या तो हमसे आक्रमण कर लीजिए या पराजय स्वीकार कर लीजिए, हम आपको अपना गुलाम बना लेंगे और राजपाट करने देंगे। तो राजा अम्बी ने अपने सिकंदर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, यानी जो आया था प्रस्ताव उसे स्वीकार कर लिया और सिकंदर के समक्ष अपना आत्मसमर्पण कर दिया। जानते रहिएगा, किंतु राजा पोरस के समक्ष जब प्रस्ताव गया तो राजा पोरस भटक गया, मतलब भड़क गया। वो क्षत्रिय था, उसने कहा कि नहीं, मरेंगे तो शान से, जिएंगे तो शान से। अगर युद्ध करना चाहते हैं तो हमें स्वीकार है, हम करने के लिए तैयार हैं। तो राजा पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध हुआ। आइए जान लेते हैं कौन सा युद्ध हुआ। तो ये जान लीजिए कि राजा आम भी सिकंदर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इतना जानते रहिए, ठीक है, क्लियर। प्रश्न अच्छा है, आ सकता है परीक्षा में, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब राजा पोरस के बीच युद्ध हुआ, आइए जान लेते हैं राजा पोरस के बारे में। राजा पोरस के बारे में जान लेते हैं, आइए। तो राजा पोरस के बीच में युद्ध हुआ, सिकंदर और राजा पोरस के बीच में युद्ध हुआ। कहाँ युद्ध हुआ? झेलम नदी के किनारे। आइए जान लेते हैं झेलम नदी के किनारे युद्ध हुआ। ये झेलम नदी है, जानते रहिएगा, ठीक है। तो झेलम नदी किनारे मतलब राजा पोरस और सिकंदर के बीच हुआ। जानते रहिए, राजा पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध कहाँ हुआ? झेलम नदी के किनारे हुआ। प्रश्न अच्छा है, आ सकता है परीक्षा में, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो राजा पोरस और सिकंदर के बीच झेलम नदी के किनारे युद्ध हुआ। इसी युद्ध को जानते रहिए, चलिए। इसी युद्ध को हाइड स्पीड का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न कई परीक्षा में पूछ लिया गया है, तो आपको याद रखना है। मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है। आपको ये याद रखना है कि झेलम नदी के किनारे राजा पोरस और राजा सिकंदर के बीच युद्ध हुआ, उसे हाइड स्पीड का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे जान लेते हैं। चलिए तो किंतु इसके बारे में सुन लीजिए, किंतु इस युद्ध का परिणाम सिकंदर के पक्ष में रहा, यानी सिकंदर जीत गया और राजा पोरस का राजपाट सब हड़प लिया। तो राजा पोरस को गुलाम बना लिया और सिकंदर के समक्ष लाया गया। तो सिकंदर ने कहा राजा पोरस से कि अब आपके समक्ष क्या किया जाए। तो
तो राजा पोरस ने एक ही जवाब दिया कि जो एक राजा दूसरे राजा के प्रति करता है वो आप मेरे साथ कीजिए। ये बात सुनकर सिकंदर बहुत प्रसन्न हुआ कि मैं जान गया तुम वास्तव में क्षत्रिय हो, मौत के सामने आकर भी आप नहीं डरे। चलिए तो फिर क्या हुआ अंत में सिकंदर ने राजा पोरस के राजपाट को वापस कर दिया। जानते रहिएगा, राज सिकंदर ने अंत में राजा पोरस के राजपाट को वापस कर दिया। ठीक है, जानते रहिए। चलिए आगे जान लेते हैं। तो सिकंदर सिकंदर अपने सैनिकों के साथ पूर्व की तरफ से भारत विजय के उपलक्ष्य में, मतलब अब ये पूरे भारत को जीतना चाहता था सिकंदर, तो अपने सैनिकों के साथ पूरब दिशा में, जानते रहिए, मान लीजिए ये आपका भारत है, मान लीजिए ये आपका भारत है और भारत का ये पूर्व है, तो अपने सैनिकों के साथ पूर्व दिशा में चढ़ने लगा, पूर्व दिशा की तरफ चढ़ना चाहता था, किंतु जानते रहिए, किंतु ब्यास नदी से आगे बढ़ने से ये सिकंदर के सैनिकों ने इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया? क्योंकि जानते रहिए ये ब्यास नदी है, ये ब्यास नदी है, ये आपकी ब्यास नदी है। ठीक है, जानते रहिए। सिकंदर अपने सैनिकों के साथ भारत विजय के उपलक्ष्य में पूरब की तरफ से चढ़ना चालू कर दिया, किंतु सिकंदर के सैनिक ब्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिए। क्यों इनकार कर दिए? क्योंकि पूरब दिशा में राजा घनानंद का राज्य था। आपको बताए थे, नंदवंश में बताए होंगे। चलिए तो यहां देख लीजिए, तो राजा घनानंद का वंश था। राजा घनानंद बहुत अत्याचारी राजा था, बहुत गुस्सैल था, तो उससे डर कर राजा सिकंदर के सैनिक व्यास नदी को प्यार मतलब पास करने से मना कर दिए, इनकार कर दिए कि हमें अपनी जान थोड़ी गंवानी है व्यास नदी क्रॉस करें, क्योंकि उस समय राजा घनानंद के पास सबसे बड़ी सेना थी। तो ये सिकंदर के सैनिक डर गए और व्यास नदी को क्रॉस नहीं किए। अंत में सिकंदर ने सैनिकों को वापस यूनान जाने के आदेश दे दिए और सिकंदर यूनान चला गया। रास्ते में चलते चलते आई देख लेते रास्ते में चलते चलते दो नगरों की स्थापना किया था। आई जान लेते हैं, भारत में दो नगरों को वसाया था, बसाया था, जानते रहिए। आइए जान लेते हैं, तो नंबर एक निकेया निकेया और नंबर दूसरा है वो कैफला नामक दो नगरों को बसाया। जानते रहिएगा, काफी अच्छे प्रश्न है, पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में। ठीक है, अब और भी जान लेते हैं, आइए इधर जान लेते हैं सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। चलिए जानते रहिए, आइए सिकंदर के गुरु अरस्तु थे, जानते रहिए। काफी अच्छे प्रश्न है, पूछ लिए जाते हैं तो ये ध्यान रखना है। आइए सिकंदर के पिता को भी जान लेते हैं। सिकंदर के पिता फिलिप
द्वितीय थे जानते रहिए। सिकंदर की, आइए सिकंदर की मृत्यु भी जान लेते हैं। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व यूनान के बेबीलोन में मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई, इतना जानते रहिए। चलिए, आपने यहाँ तक देखा, समझा, ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया। जितने भी परीक्षा प्रश्न पूछे जाते हैं यहीं से आ जाते हैं, उतना हमने आपको बता दिया काफी अच्छे से। आशा करते हैं अगर आपने हमारी पूरी वीडियो देखी हो तो सही से आपको समझ में आया होगा। चलिए, हमारा सिकंदर का भारत पराक्रम समाप्त होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मौर्य वंश के बारे में जानेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी पढ़ाई अच्छी लगी हो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका फायदा उठा सकें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।